नाना ने एक साल पहले 50 लाख में जमीन बेची तो दो दोहिते माँ का हक मांग रहे थे। इनकार करने पर गुस्साए दोहितों ने अपने 85 साल के नाना के दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर हालत में बुजुर्गों को इलाज के लिए गुजरात ले जाया गया, जहां शनिवार को नाना की मौत हो गई। वारदात के बाद से आरोपी दोनों युवक फरार हैं। बागोड़ा थाना इंचार्ज अरुण कुमार ने बताया कि थाना इलाके के नांदिया गांव में पीरा राम बागरी पुत्र थाना राम परिवार के साथ रहता था। उसके बेटे पास ही अलग मकान बनाकर रह रहे थे। एक साल पहले पीरा राम ने 50 लाख रुपए में जमीन बेची थी। जमीन बेचने से मिली रकम पर पीरा राम की बहन पारू देवी, पत्नी रूपा राम के बेटे धना राम और दिनेश हक जता रहे थे। कई बार वे पीरा राम से मां का हिस्सा मांग चुके थे, लेकिन पीरा राम ने बेटे का हक देने से इनकार कर दिया था। दोनों दोहिते रामसीन थाना इलाके के जोड़वाड़ा गांव में रह रहे थे। 6 जून की शाम धना राम और दिनेश अपने ननिहाल नादिया पहुंचे और पीरा राम से पैसों को लेकर बात करने लगे। इसी को लेकर दोनों की नाना से बहस हो गई। पीरा राम के बेटे सुरेश ने बताया, जमीन बेचान की रकम पर दोनों भांजे धना राम और दिनेश पिछले एक साल से दावा जता रहे थे। वे आए दिन पिता से बहस करते थे। 6 जून को जब पिता ने रकम में हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया तो रात 11:30 बजे दोनों भांजों ने वहीं पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए। चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे तो पिता लहूलुहान थे। दोनों पैरों के निचले हिस्से, पंजे के आसपास कुल्हाड़ी के कई कट लगे हुए थे। पिता को बागोड़ा हॉस्पिटल ले गए, जहां से इलाज के लिए अहमदाबाद गुजरात। 2 दिन बाद 8 जून को पिता की मौत हो गई। शव को बागोड़ा हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया। पीरा राम के बेटे सुरेश ने शनिवार देर रात बागोड़ा थाने में दोनों आरोपियों धना राम और दिनेश के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पीरा राम का परिवार नादिया गांव में खेतीबाड़ी करता है, जबकि दोनों आरोपी मजदूरी करते हैं। नादिया सरपंच हिंगलाज दान चारण ने बताया, पीरा राम को जमीन बेचने से 50 लाख रुपए मिले थे। इसमें दोहिते भी अपना हिस्सा मांग रहे थे। पीरा राम की बेटी पारू देवी की शादी 35 साल पहले राम सिंह थाना क्षेत्र के जोड़वाड़ा निवासी रूपा राम से हुई थी। रूपा राम पारू देवी से मारपीट करता था। पारू के पिता पीरा राम ने 15 साल पहले बेटी को अपने घर बुला लिया था। पारू अपने पिता के साथ खेती पर रहती थी। पारू के दोनों बेटे धनाराम और दिनेश पिता रूपा राम के साथ रहते थे। दोनों को लगता था कि नाना ने माता पिता को अलग कर दिया है। माँ और माँ के हक की रकम के लिए वे अक्सर विवाद करते रहते थे। जालौर से संवाददाता प्रताप चौधरी की रिपोर्ट।